प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा चुके हैं। आप वीडियो देखते रहें और अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्राप्त करते रहें। देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका क्वेश्चन रियल नंबर से रिलेटेड या संबंधित है, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर का आएगा। अब जरा ध्यान दें, क्वेश्चन आपका क्या है, 100.25 को अभाज्य गुणन, 100.25 को, सॉरी, 100.75 को, जरा ध्यान दें, 100.75 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करो। जरा हम दोबारा बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, 100.75 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करो। यहाँ पर HCF आपका क्या है, HCF आपका यहाँ पर मासा है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं और पिछली वीडियो में भी कह चुके हैं। अब जरा आप देखिए अपने आंसर या सलूशन में, हमें 100 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, देखिए 5 × 5 गुणा 2 × 2 आपके 100 हो जाएंगे। 75 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, 5 × 5 × 3 आपके 75 हो जाएंगे। जहाँ जहाँ आपका अंडरलाइन है, मतलब वो संख्याएं कॉमन हो रही हैं, देखिए कॉमन होने के बाद में आपकी यहाँ से 5 निकल गया, यहाँ से 5 निकल गया, जो कॉमन नहीं हो रहा उसको छोड़ देंगे। ज़रा ध्यान दें, मासा में जो संख्या कॉमन होती है वो ही लेते हैं, वो ही हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, आंसर कहलाता है। देखिए तो 25 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCF 25 हो जाएगा, या आपका मासा 25 हो जाएगा। आप वीडियो को बार बार देखते रहें, वीडियो आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।